हिंगनघाट परिसर में 18 जुलाई को हुए जोरदार अतिवृष्टि से बाढ़ की स्थिति निर्माण हुई। इस शहर के नंदोरी मार्ग पर महाकाली नगरी में अतिवृष्टि की वजह से बड़े प्रमाण में बरसात का पानी आया। यहां से नजदीक के भाकरा नाला का पानी भी परिसर में आने से नागरिक संकट में आए थे। यहाँ के नागरिकों ने प्रशासन से सहायता की गुहार लगाई है। इस पर आपत्ति व्यवस्थापन कक्ष के प्रमुख तहसीलदार सतीश मासाल ने तत्काल कार्रवाई करके रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी की और पुलिस की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। कर्तव्य पर मौजूद पुलिस उप निरीक्षक सोमनाथ टापरे ने अपने साथियों के साथ महाकाली नगरी में दाखिल हुए। मासाल के मार्गदर्शन और पुलिस निरीक्षक पंडुकर के मार्गदर्शन में परिसर के नागरिकों की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। महाकाली नगरी परिसर के करीब 20 से 25 मकानों को बाढ़ के पानी ने घेरा था और पानी का स्तर बढ़ते जा रहा था, जिस वजह से इसमें करीब 40 से 50 नागरिक घिर गए थे। उन्हें बचाकर सुरक्षित स्थल पर ले जाना जरूरी था। इस वक्त SBRF की टीम भी उपलब्ध थी। तब पुलिस उप निरीक्षक सोमनाथ टापरे के नेतृत्व में पुलिस टीम और स्थानीय नागरिक ने वहां अटके नागरिक को सुरक्षित निकाला, जिसमें महिला और बालकों का समावेश था। रेस्क्यू ऑपरेशन सफलता से पूरा होने पर समस्याग्रस्त नागरिकों ने तहसीलदार मासाल, पुलिस उप निरीक्षक सोमनाथ टापरे और प्रशासन का आभार माना। हिंगनघाट से BCN न्यूज के लिए कैमरामैन योगेश लखोटे के साथ रवि यनौरकर की रिपोर्ट।